Hello everyone, let's start with question number 2 of exercise 6.1. So in this it says the following numbers are obviously not perfect squares. तो उन्होंने हमें already यही बताया हुआ है कि जो हमारे ये numbers given है हमें सारे के सारे ये perfect squares नहीं है. तो उसके लिए आपको reason देना पड़ेगा. तो अब reason क्या होगा इसका? देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि squares कहाँ कहाँ पे end करते हैं. तो 1 का square किस पे end करता है? 1 पे. 2 का स्क्वायर किस पे एंड करता है? 4 पे. 3 का स्क्वायर किस पे एंड करता है? 9 पे. 4 का स्क्वायर 16 पे. 5 का स्क्वायर 25 पे. 6 का स्क्वायर 36 पे. 7 का स्क्वायर 49. 8 का स्क्वायर 64. 9 का स्क्वायर 81. 10 का स्क्वायर 100. तो अब हमें देखना है यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि हमारा स्क्वायर या तो 1 पे एंड होगा, या तो 4 पे एंड होगा, या तो 9 से एंड हो सकता है, या तो 6 से एंड हो सकता है, या तो 5 से एंड हो सकता है. अब देखो ये नंबर्स हमारे रिपीट होने लग गए, 6, 9, 4, 1, 0, 0, तो या 00 से भी एंड हो सकता है, या 40 से भी एंड हो सकता है. ठीक है, तो जो हमारे जीरोस होने चाहिए लास्ट में वो किस में होने चाहिए? इवन नंबर, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है. तो 1057 को आप क्यों कहोगे परफेक्ट स्क्वायर? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी एंडिंग किससे हो रही है? 7 से हो रही है. अगर इसकी एंडिंग 1 से, 4 से, 9 से, 6 से, 5 से, या 00 से, या 4 बार 0, या 6 बार 0 ये होती तो वी कैन से दैट इट माइट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे किससे एंडिंग हो रही है? 7 से. So you can write as the number is ending with 7. So therefore it is not a perfect square. So that's all. Again, in this case you can see the number is ending with 3. अब यहाँ पे देखो कहीं पे 3 नजर आ रहा है, कहीं पे भी ending हो रही है 3 से? नहीं हो रही. तो आप क्या लिखोगे? As the number is ending with 3. नेक्स्ट, आपका नंबर किससे एंड हो रहा है? 8 से. अब यहाँ पे देखो अगेन, जो हमारा रिजल्ट आया था वहां पे कहीं हमारा एंड हो रहा था 8 से? नहीं हो रहा था. तो इसका स्क्वायर जो होगा ये, मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एंडिंग किससे हो रही है? 8 से. नेक्स्ट देखो, इसकी एंडिंग हो रही है 2 से. अगेन 2 से कभी भी एंड नहीं हो सकते हमारे परफेक्ट स्क्वायर, या तो 1 से होंगे, या तो 4 से होंगे, या तो 9 से होंगे, या तो 6 से होंगे, या तो 5 से होंगे. अब यहाँ पे देखो, जो हमारा फिफ्थ नंबर है वो 3 0 से एंड हो रहा है. अगेन इट इज नॉट पॉसिबल. मैंने क्या बोला था कि इवन नंबर होते तो देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे एंडिंग किससे हो रही है? इट इज एंडिंग विद 000. और आप क्या लिख सकते हो? 000 लिख दो, या तो आप लिख सकते हो ऑड नंबर ऑफ जीरोस. अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होते तो हम कह सकते थे दैट दे आर परफेक्ट स्क्वायर. अब 6 वाला अगेन इज एंडिंग विद 2, और 2 से एंडिंग कभी भी नहीं होती. अगेन आपका सेम आ गया 000 से एंडिंग. तो आप लिख सकते हो एज द नंबर इज एंडिंग विद इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर ऑफ जीरोस. अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस से एंडिंग होगी तो हम कह सकते हैं कि दे वोंट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, अब लास्ट देखो, अगेन जीरो से एंडिंग हो रही है. तो जीरो से एंडिंग हो रही है, एक ही नंबर है, एक ही जीरो है, तो ऑड नंबर ऑफ जीरो हुआ. सो यू कैन राइट एज द नंबर इज एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरो, देयरफॉर वी विल से दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.